चीन द्वारा सीमा पर भारतीय जवानों को शहीद किए जाने पर पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश है। DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। 100% फर्स्ट डिवीजन इन 10th बोर्ड, 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स। DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। आज अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की विदेशी नीति की विफलता के रूप में ही भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इस विवाद को वैश्विक मंच पर उठाया जाए और चीन की दोगली नीति को सार्वजनिक किया जाए, साथ ही चीन की इस हरकत का जवाब उसी की भाषा में उसको दिया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश के आक्रोश को समझते हुए तुरंत चीन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। जो चाइना ने बॉर्डर पर हरकत करी और हमारे निहत सैनिकों को जिस तरह मारा, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। और इस आक्रोश ही नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है कि मोदी सरकार हमारे 20 जवानों को बचा नहीं पाई और उन्होंने बिना बात के, बिना किसी युद्ध के अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ी, जिसके लिए हम सब लोग उनको श्रद्धा से नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बेईमान चाइना को, ऐसे धोखेबाज चाइना को कोई ऐसा अवसर नहीं दे कि जिससे वो अजमेर भारत में फले फूले, क्योंकि हमने इसका चाइना का इतिहास रहा है, ये हमेशा धोखा देता रहा देश को और चिकनी चुकनी बातें करता रहा। हमारे शहीद जो हुए हैं जाने कितने, 20 तो बता रही सरकार, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अब डर लगता है इस बात से कि सरकार को बात छुपा तो नहीं रही है। लेकिन हम सब कांग्रेस के लोग अजमेर के उनसे मांग करते हैं मोदी जी से कि चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको विश्व मंच पर ले जाया जाए और विश्व मंच में बहुमत अपना तैयार करें और विश्व मंच को बताएं कि किस प्रकार हमने धोखा खाया है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि चीन मेरा दोस्त, जापान मेरा दोस्त, अमेरिका मेरा दोस्त, रूस मेरा दोस्त, सब मेरे दोस्त, उसके बाद भी पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश हमें आके दिखाए, इससे आप कल्पना कर लो कि हम कहीं ना कहीं विदेश नीति में और हमारी सुरक्षा में कमजोर पड़ रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि सुरक्षा पुख्ता की जाए, भविष्य में इस प्रकार की हरकतें बॉर्डर पे नहीं हो और हमारे सैनिक बेवजह नहीं मारे जाए, हमारा देश का सैनिक शहीद होने को तैयार है। मैं उसके शहीद की बात नहीं करता, वो शहीद होने को तैयार है, लेकिन वो शहादत ऐसी तो हो कि हम उनसे मुकाबला करते हुए करें। जिस प्रकार से ये हुआ है, ये सब मैं भारत सरकार की कमजोरी मानता हूँ और उनकी जो एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब ये हुआ। एक तरफ चीन बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो चीन मार रहा है। तो आज हमने ये जो पुतला जलाया है, ये पुतला जला के हमारा विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस जनों ने, मैं इनके साथ सम्मिलित होकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और पुणे सरकार से मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ, चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।